आजा टॉमी, मोती बिस्किट खाएगा? बेबी डू नॉट सिट ऑन द सोफा, आप सही समझे हैं, यानी कि वेरी नाइस बेबी। डॉग्स, डॉगी आपका अपना प्यारा दोस्त कुत्ता, इन्हें इंसान का सबसे प्यारा दोस्त ऐसे ही नहीं कहते हैं। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, डॉग्स आपका मन खुश कर ही देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोई और जानवर हमारे इतने पास नहीं घूमता, न शेर, न चीता, न चिड़िया, कोई भी नहीं। और आप जहाँ भी जाओगे, डॉग्स धरती के हर कोने में आपको मिलते हैं, चाहे वो रशियन हस्की हो या अमेरिकन पिटबुल हो या इराकी सलूकी। डॉग्स आपसे चिपके ही रहते हैं, आप चाहें या ना चाहें। कभी भौंक कर सबकी नींद खराब करेंगे, कभी घूमने ले जाने की जिद करेंगे, और कभी आपको देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं डॉग्स, ऐसा क्यों बनाया भगवान ने इन्हें? आओ जानते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार बातें अपने इस सबसे अच्छे दोस्त के बारे में। अभी आप कोई भी हो, पंडित हो, जैन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, या किसी भी धर्म के हो, सारे लेजियन धर्मों से पहले, खेतीबाड़ी से पहले, आवर एंसेस्टर्स लिव्ड इन जंगल एज हंटर गैदरर्स। अब हंटर गैदरर यानी कि शिकारी, और हमारे पूर्वज बहुत अच्छे शिकारी थे। अब अच्छे शिकारी होने का मतलब ये तो नहीं है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। जंगल में और भी शिकारी होते हैं, जैसे कि शेर, लेपर्ड, तेंदुआ, भेड़िया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी हमारे पूर्वज मीट पकाते थे तो उसकी महक से आसपास के शिकारी भेड़िए खींचे चले आते थे और आसपास मंडराते रहते थे। जब इंसान अपना बचा हुआ खाना छोड़ देता था तो वो उसे चुपके से खा लेते थे, तो इससे कुछ भेड़ियों को फ्री का खाना मिल जाता था, इससे उनकी मेहनत बच जाती थी और इंसानों के पास रहने से उनकी थोड़ी सेफ्टी भी मिल जाती थी, क्योंकि इंसान दिमाग वाला था और हर काम स्ट्रेटजी से करता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये भेड़िए जो इंसानों के आसपास घूमते थे, वो जंगल वाले दोस्तों से अलग हो गए, और जहाँ इंसान जाता था वो आसपास ही रहते थे। तो इंसानों को क्या फ़ायदा, इंसानों के लिए वो अलार्म और सेफ्टी सिस्टम की तरह काम आते थे। तो जब भी कोई जानवर कैंप के आसपास आता था तो वो उसे भगा देते थे, और रात को खतरा होने पर अलर्ट भी करते थे, और वे वजह हमारे पूर्वजों को मरने से बचा लेते थे। और अगर किसी वजह से आसपास घूमने वाले भेड़िए मर जाते थे तो इंसान उनके बच्चों को पाल लेता था, और नए पाले हुए भेड़िए इंसानों को अपना झुंड समझते थे, एकदम मोगली की तरह। ऐसा ही हजारों साल चलता रहा। अब इंसान तो इंसान है, तो हमारे पूर्वजों ने भेड़ियों को अपने फायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भेड़ियों को नौकरी पर रख लिया। हमारे पूर्वजों के पास दिमाग तो बहुत था, लेकिन स्पीड और स्टेमिना उतना नहीं था। भेड़िए किलिंग मशीन के बराबर थे, अगर वो एक बार अपने शिकार को सूंघ लेते थे तो उसकी मौत तय होती थी। और ऐसा पार्टनर साथ होना हंटिंग में बहुत ही फायदे की बात थी, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंसानों ने भेड़ियों की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और उन्हें पालतू बना लिया। और हमारी और इन नए पालतू भेड़ियों के रिलेशनशिप ने पूर्वजों को अच्छे शिकारी से बहुत ही खतरनाक शिकारी बना दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भेड़िए तो जंगली होते हैं, ये इंसानों की बात क्यों मानेंगे? तो इसकी वजह है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसका मतलब जो भेड़िए इंसानों की सबसे ज़्यादा बात मानते थे, उन्हीं को बच्चे पैदा करने दिया जाता था और बाकियों को पनिशमेंट दिया जाता था। जब ऐसा कई हज़ार साल तक चलता रहा तो उन भेड़ियों की शकल, साइज, बिहेवियर सब कुछ बदल गया, और वो बन गए हमारे प्यारे फ्रेंड्स डॉगी। तो ये जो मासूम से दिखने वाला कुत्ता है, ये खूंखार भेड़िए होते थे। इन्होंने आपके बाप दादाओं की रक्षा की, उन्हें खाना दिया, सर्दियों में गर्माहट दी, और उनकी हर काम में हेल्प की। तो ये जो कुत्ता रात को आपकी गली में भौंक रहा है, उसने ऐसा ही करके पिछले 32,000 साल से आपके और आपके पूर्वजों की रक्षा की है। तो डॉगीज को रेस्पेक्ट कीजिए, खुश रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।